और मेरी देवरानी हो चुकी है पागल। जिनकी मुरलिया पे बाजे पायलिया हमारी बहन को बीना को एक साइकिल वाले ने उसको सीधा नाली में डाल दिया था। दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो दोस्तों फिर आज एक नए ब्लॉग के साथ बने रहे मेरे साथ एंड तक और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान कृष्ण सभी की इच्छा पूरी करे, सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, सभी के घर में खुशहाली छाए, यही आशा उम्मीद करती हूँ मैं। और आज का मौसम देखो दोस्तों ये इस तरह से है आज का मौसम, कहीं धूप कहीं छाया, अच्छा हो रखा है मौसम ऐसे तो। जगत पिता जगत परमेश्वर जगत कल्याण करने वाले मेरे करेलों में करेले आ चुके हैं, तो जिस जिसको सब्जी चाहिए होगी तो मेरे से ले लेना। देखो छोटे छोटे एक दो तो सड़ भी गए हैं मगर फिर भी मेहनत कामयाब हो ही रही है थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं छत से शुरू और आज बहुत सारा काम है। अभी तो कपड़े उपड़े मैंने धो लिए, पूजा उजा भी करी ली है मैंने, कपड़े धो लिए हैं, अब छत में कपड़े डालती हूँ, इसलिए मैंने छत से शुरू करा है ब्लॉग। और आज कीर्तन भी हमारे एक बजे से बिनोद नगर में, एक बजे फिर कीर्तन में जाना, फिर शाम को भी पंडित जी का बुलावा है मंदिर में। तो पूरा ब्लॉग कपड़े धोए मैंने इतने सारे, अब इनको डालती हूँ। रखी है मैंने कपड़े छत में क्योंकि कपड़े आज धोए क्योंकि कल संडे था तो संडे को तो टाइम मिला नहीं, संडे को धोते थे कपड़े टाइम तो मिला नहीं, तो आज डाले मैंने फिर कपड़े, तो आज बहुत काम हो गया है। देखो तो फाइनली दोस्तों अब मैं हो गई हूँ तैयार कीर्तन में जाने के लिए, तो मिलते हैं आपको बिनोद नगर कीर्तनों में। अभी साथ वाले आने वाले नीचे से, तो फिर मिलते हैं आपको। हम दोनों तो यहाँ पर बैठे हैं दोनों को दोनों, अब ये लोग अभी आए हैं नहीं, मैं और किरण की मम्मी बैठे हैं। राधे राधे श्री कृष्णा, राधे हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ये गुब्बारे यहाँ से, तो गुब्बारे ले लो, बांसुरी ले लो भाई, देखो हमारे बाल कृष्ण भगवान ने बचा दिया है हमारी बहन को बीना को, एक साइकिल वाले ने उसको सीधा नाली में डाल दिया था। ये देखो ये पूरा हाथ छिल गया इसका, पूरा हाथ छिल गया, नाली में डाल दिया उसने, बताओ। और आज यहाँ पे सजेगा दरबार, तो ये भजन शुरू। और ये देखो सभी बैठ गए अपने दरबार में तिलक के साथ में, तो योग माया है कृष्ण भगवान जी की बहन, तो उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है यहाँ पे। योग माया कृष्ण भगवान जी की बहन, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है यहाँ पे। द्वारका कीर्तन मंडली की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं और साथ में माता योग माया के भी आज कीर्तन है, तो आशा करते हैं आप सभी को पसंद आएगा और धन्यवाद। Thank you.
हमारा कीर्तन समाप्त। और आज मेरा नुकसान भी हो गया बहुत बड़ा, मेरे गले के दो सोने की खो गई है, गोल गोल दानियाँ खो गई सोने की, और क्या करें। आज यही था ये दिन। जन्म लियो काना ने, काना ने जन्म लियो काना ने, डली में सो चलो सब नंद बाबा की ओ, जन्म लियो काना। जगह जगह सजा रखा है, चलो बाके बिहारी लाल की क्या सजावट हो रखी है हर गली हर मोहल्ले में। घर तो आ गए कीर्तन करके, अब खाना बनाना है, खाना बनाने के बाद जाना है मंदिर में, 9:30 बजे मंदिर में जाना है। राख देख लो सूज गई, फिर से दोबारा से सूज दी जाएगी, कल तक ये बिल्कुल फुल हो जाएगी। ये खाना बनाने की तैयारी, ये मेरा हलवा बन रहा है, थोड़ा भूख के लिए हलवा, और ये बनाई मैंने कद्दू की सब्जी। गाँव में तो ऐसे ही बनती है कद्दू की सब्जी व्रत के दिन ना, तो ये। और अब थोड़ा सा रोटी बनाएंगे, थोड़ा रायता बनाएंगे, बना बुना के फिर जाऊंगी मंदिर में। मंदिर में जाएंगे लक्की पब्लिक इस मंदिर में। मंदिर से आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में। लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी बुलाव आ रखा है, और तो मिलते हैं आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर में। और मेरी देवरानी हो चुकी है पागल, और ये देखो अरे सुनने बजाने वाली गुलाम जिनकी मुरलिया पे बाजे पहलिया, अरे छम छम नाचे बिहारी गुलाम तेरो गिरधारी, सोने वाली की भक्ति में इतना लीन हो गए हमारी मंडली वाले कि इनको कोई घर जाने की सूझ नहीं है, सुबह से बस भटक रहे 1 बजे से हम लोग। हम लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में, और अभी यहाँ नन्हे मुन्ने बाल कृष्ण आ रखे हैं, ये देखो देखो नन्हे मुन्ने बाल कृष्ण, बांके बिहारी लाल की। नंद गोपाल जी बैठ चुके हैं पालकी में, ये देखो Thank you.
नहलाया जा रहा है, नहलाया जा रहा है लल्ला को। मगन हो रखी है, 12 बज चुके हैं, कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन हो गया है, मगर इसको नींद नहीं है। देखो ये देखो, मस्त हो रखी है। तो दोस्तों मैं घर पहुंच चुकी हूँ, रात्रि के बज चुके हैं 1, क्योंकि आने में टाइम लग गया, थोड़ा पूजा वो आरती उड़ती के बाद आए ना, तो 1 बज चुका है। तो दोस्तों मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।